हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए क्लास टेंथ के आगे की एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर के आगे की एक्सरसाइज जो हमको पढ़नी है वो है 1.3 के। देखिएगा एक से दो बार ताकि आपको अच्छे से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको प्रूफ करना है तो हम लोग याद कर लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर हम लोग पहले ही बता चुका हूँ मैं, जैसे कि, ठीक है। इरेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो नॉट टर्मिनेटिंग होते हैं नॉट रिपीटिंग होते हैं, मतलब वो ना तो टर्मिनेट करते हैं, अगर उनका किसी से डिवाइड करोगे, ठीक है, या रूट निकालोगे तो जो उनका आंसर है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और ना उसमें कोई रिपीटेशन फॉलो हो रहा होगा कि कोई पैटर्न नहीं फॉलो हो जाए, ठीक है, तो उनको नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसा पहला क्वेश्चन है, हमको रूट टू को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, ठीक है। देखो छोटे क्लास में एक हम लोग ने तरीके से भी कर सकते हैं, जिसे बोल दिया जाता है लॉन्ग डिवीज़न ऑफ रूट। रूट निकालने का लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है उससे भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इसे, पर यह हमको क्लास टेंथ में नहीं करना है, वो तरीका ये है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, इसके आगे आगे आप जाएंगे तो ये चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर किसी को इसके बारे में पूछना है कि पूछ सकता है कि मैं नहीं समझ आ रहा ये चीज़ तो बताइएगा, मैं बता दूँगा, ठीक है। चलिए मेन अपना क्वेश्चन देखते हैं। मेन अपना क्वेश्चन क्या है, इसको हमको इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रूट टू को मान लेते हैं रेशनल। रेशनल की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, रेशनल नल हो जाएगा, ठीक है। रूट टू को मान लेंगे, हमने मान लिया कि रूट टू रेशनल नंबर है, ठीक, पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप क्या है, ये अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसे ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा था रेशनल नंबर को पी बाई क्यू क्यू में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ ए बाई बी माना है, ठीक है। और ए बी क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। ऐसा तो जैसे कोई नंबर है 4/8 है मानो, ठीक है, तो ये कट के हो जाएगा 1/2, तो ऐसा है कि इसमें कुछ कॉमन नहीं निकला, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो रूट टू है वो को प्राइम नंबर में इनके रूप में एक्सप्रेस करा जा रहा है, हमने मान लिया रेशनल है तो। अच्छा, अब क्या करा हमने, हमने क्या करा, बी को इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये बी रूट टू इक्वल टू ए, बी रूट टू इक्वल टू ए हो गया, ठीक है। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर दी। जैसे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, एक बार यहाँ से देख लीजिए, हाँ इसको आप देखो ये स्टेप है, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करो तो टू का रूट टू का स्क्वायर करोगे तो रूट टू रूट और स्क्वायर कट गया, आपस में टू आ गया, ठीक है। बी का स्क्वायर हो गया, यहाँ ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इस लाइन के बाद हम क्या लिख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर इज़ डिजिबल बाई टू। ए स्क्वायर जो है वो डिजिबल बाई टू है, मतलब ए स्क्वायर जो है टू से डिवाइड होगा, क्योंकि ए स्क्वायर के इक्वल टू क्या है, टू बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर इक्वल टू टू बी स्क्वायर है, तो मतलब टू से इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ टू का मल्टीपल आ रहा है, यानी वो टू से डिवाइड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये लाइन लिख दी। अब एक थ्योरम जो टेंथ में है वो थ्योरम क्या बताती है, वो थ्योरम ये बताती है कि अगर कोई नंबर है ए स्क्वायर, ठीक है, और वो डिवाइड हो रहा है बी से, तो ए भी जरूर होगा डिवाइड बी से। इस थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये लाइन लिख दी है, सो ए इज़ आल्सो डिजिबल बाई टू, ठीक है, ए आल्सो डिजिबल बाई टू। अच्छा, अब ए नंबर टू से डिजिबल है, इसका मतलब क्या है, ए जो है टू का मल्टीपल होगा, ठीक है, कोई चीज़ उससे डिवाइड हो रही है तो उसका मल्टीपल होगी, ठीक है। जैसे हम कहते हैं 10 टू से डिवाइड हो रहा है तो 10 टू का मल्टीपल भी है, 2 × 5 10 होगा, ठीक है, तो टू का ऐसे, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, हम ए को लिख दिया 2c, ठीक है, ए को क्या लिख दिया 2c। फिर वही वाली स्टेप, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करी तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई तुम्हारी 4 का, 2 का स्क्वायर हो गया 4, सी का स्क्वायर सी, तो 4c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, एक बार देख लो आप यहाँ से, देखिए इक्वेशन 1 2b² = a² था, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है,
तो 2b² में एक जगह 4c² लिख दिया, ठीक है। अब 2 से 2 काट दिया, अगर जिसको दिक्कत हो वो डिवाइड भी कर सकता है। हमने कह दिया मान लो दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा आपका 2, ठीक है, और ये b² हो गया। तो b² = 2c² आ गया, क्या गया, b² = 2c² आ गया। तो मतलब क्या हुआ, अब क्या लिखेंगे, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि b के देखो फैक्टर में 2 आ रहा है, मल्टीपल 2 दिख रहा है एक तरह से, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे b जो है b² है 2c², तो इसको अगर कुछ मतलब 2 का मल्टीपल है यानी, तो क्या b इज डिविजिबल बाय 2, ठीक, समझ आया, b² इज डिविजिबल बाय 2 मतलब, तो b भी डिविजिबल बाय 2, ठीक। अच्छा, अब हमने तो माना तो कोप्रेंट में कोई कॉमन नहीं है, अब यहाँ क्या बता रहा है, a और b बोथ किससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, a को पहले देखिए हमने, अब यहाँ पे दिखा दिया b का डिविजिबल बाय 2 है यानी 2 का मल्टीपल हो तरह से होगा, और a भी यहाँ प्रूफ कर दिया है 2 से डिविजिबल है यानी 2 का मल्टीपल होगा, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, पर हमने तो कोप्राइम माना था, तो अब इसको हमको कुछ लिखना नहीं जाता, अब हमको ये लिखना है, हैंस इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। ये क्या, ये हमारा एजम्पशन जो हमने माना था उसे कंट्राडिक्ट करता है, मतलब उसको अपोज करता है, क्योंकि बोथ ए एंड बी बोथ आर डिवाइडेड बाई 2, इससे क्या पता चलेगा, ए और बी बोथ आर डिवाइडेड बाई 2, सो √2 इज इरेशनल नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, चलिए एक बार इसको फिर से जल्दी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले स्टेप √2 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो सबसे पहले उसको हमने मान लिया कि ये रेशनल है, ठीक, पहली स्टेप ये हुई हमारी। फिर रेशनल नंबर है तो a बाय b की फॉर्म में होगा, a बाय b की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, b को उधर ट्रांसफ़र किया, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड की, तो a² = 2b² आ गया। अब हम क्या लिखेंगे कि a² जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये थ्योरम के, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बताई थी आपको, ठीक है। अब तो ये दोनों का 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a इज़ फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, a इज़ फैक्टर ऑफ 2 मल्टीपल ऑफ 2, a इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो a = 2c लिख दिया। फिर स्क्वायरिंग बोथ दी साइड की, ठीक है, तो a² = 4c² हो गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में प्रूफ करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a² की जगह जब ये 4c रखा, ठीक है, तो 2 कट गया, तो b = 2c² आ गया, ठीक है, b = 2c² आ गया। जैसे ही आया तो जो यहाँ पे लिखा था स्टेप, ठीक है, वही स्टेप फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो b² = 2c² हो गया, तो क्या लिखा, b² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक, पहले ये हो गए, फिर से वही, तो b इज डिविजिबल बाय 2, तो इससे क्या पता चला, b और a दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो बस इसके बाद हमको ये लिखना है, हैंस इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ये हमारी बात गलत करता है कि हमने माना था कोप्राइम और ये ए बी दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो √2 इज इरेशनल नंबर, समझ आया। चलिए 1.3 एक्सरसाइज पढ़ते हैं, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको मैंने √2 इरेशनल नंबर एक बार प्रूफ करा दिया, तो उसी तरह से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सेम है, जहाँ √2 है वहाँ √5 लिखना है आपको, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसका है, ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रूफ दैट 3+2√5 इज इरेशनल नंबर, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। तो इसमें भी कुछ स्टेप वॉसिंग है और पर थोड़ा सा सिंपल ही है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, जो उसमें करते थे इसको हमने मान लिया रेशनल नंबर, ठीक। फिर अगर रेशनल नंबर है तो देयरफॉर मतलब a बाई b की फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, ठीक है, a बाई b के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा, ठीक है, ये हो गया। और a बाई b क्या को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे उसमें कहा था वही स्टेप, सेकेंड स्टेप भी वही है। थर्ड स्टेप में अब ऐसा नहीं करना है कि हमको स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, सिंपल, प्लस का 3 था इधर आके माइनस का हो गया, 2 डिवाइड था मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में कर दिया, तो ये हो गया आपका, तो √5 = this हो गया पूरा, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं स्टेप, ठीक है, इस स्टेप को क्या, बस यहीं पे रुक जाओ,
यहीं पे देखो, जैसे ये कह देंगे इस पार्ट को रेशनल बोल देंगे और इसको इरेशनल बोल देंगे। इसमें देखो, इसमें एक बात है कि हम इसमें ये जानते हैं कि प्राइम नंबर का रूट इरेशनल होता है। अब इसको नहीं प्रूव करेंगे, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए ठीक है। तो 3 मार्क में इतने लिखने से हो जाएगा उसमें, तो ये नहीं कह सकता कि रूट टू है इरेशनल होता ही है, ठीक है। तो इसलिए अब ये, तो इसमें क्या है, देखो रेशनल नंबर में से कुछ भी घटाओगे हमेशा रेशनल आता है, और कुछ भी डिवाइड करो तब भी रेशनल आता है। तो ये पार्ट रेशनल है, ये पार्ट इरेशनल है। तो क्या बात हो गई इस लाइन के बाद, इट कंट्राडिक्ट आवर प्रेडिक्शन, सो नंबर जो आपने माना वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। ये स्टेप हो गए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, जैसे 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए, जैसे रूट टू को करा था, 1/√2 को भी करा है, पर कुछ अगर थोड़ा सा डाउट होगा कि 1/√2 है वहाँ रूट टू था, तो देखिए इसका थोड़ा सा दिखा देते आपको, यही है ना। इसमें 1/√2 को ए बाई बी मानेंगे, तो क्या कर दिया हमने, पलट दिया, देखिए पलट दिया। तो अब √2 इक्वल टू बी बाई ए हो गया। अब बिल्कुल स्टेप वही है, ठीक है, उसी तरह से करना है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था, ठीक। चलिए और देखते हैं, ये जैसे 7√5 है, 7√5 है, तो इन्होंने ये तरीका करा है, ठीक है। ए बाई बी मान लिया, 7 से डिवाइड कर दिया, कह देंगे ये वाला पर रेशनल है, ये इरेशनल लोग जानते हैं, ठीक है। तो पर देखिए, इसको बड़े मेथड से भी करा जा सकता है, जो पहले वाले तरीके से। अगर बड़ा क्वेश्चन है कि ज़्यादा मार्क मतलब आ गया, ठीक है, तो आपको बड़े वाले से करना पड़ेगा, नहीं तो सिंपल से ये कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, और ये तो जैसा थर्ड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन तो उसी की तरह से है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक। और देखते हैं, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, ठीक है, यहाँ से आपकी 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। अब इसको एक बार देखिएगा और लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब।